गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का जो आपका लेक्चर है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, यानी कि आप अपना सी प्लस प्लस प्रोग्राम कैसे बनाएंगे, किन किन एसेंशियल एलिमेंट्स की जरूरत रहेगी जिससे कि आप अपना इनपुट ले पाएंगे या आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे, प्रोसेस कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आज के लेसन में हम लोग कवर करेंगे। नाउ सी प्लस प्लस के बारे में हम एक छोटी चीज जान लें, बेसिकली इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, इट्स अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज डेवलप्ड बाय स्टॉट स्ट्रप एट AT&T बेल लेबोरेटरी इन 1980s। बेसिकली इट इज अ कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न, हम लोग पहले सीख चुके हैं सी लैंग्वेज, जैसे कि आपने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा है। नाउ अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि जो हम लोग सी प्लस प्लस यूज करने जा रहे हैं वो इस सी से कैसे डिफरेंट है। ऐसा हम लोग अभी प्रोसीजर वर्सेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में ऑलरेडी जान चुके हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको हम ब्रीफ कर देते हैं। बेसिकली सी लैंग्वेज आपका प्रोसीजर स्टाइल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और आपका सी प्लस प्लस प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड दोनों स्टाइल को सपोर्ट करता है। ये डेटा सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड करता एंड सी प्लस प्लस डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है यूजिंग इनकैप्सुलेशन। ये टॉप डाउन अप्रोच यूज करता है, यानी कि प्रोग्राम पहले हम लोग डिजाइन करते हैं उसके बाद उसको फंक्शंस में ब्रेक करते हैं। यहाँ पे ये सी प्लस प्लस बॉटम अप अप्रोच लेता है, दैट इज कि हम पहले ऑब्जेक्ट डिजाइन करते हैं देन उसको कंबाइन करके एक कंप्लीट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं। एंड सी लैंग्वेज फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता। फंक्शन ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि एक नाम के एक से अधिक फंक्शन, ये सी में हम लोग नहीं पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सी प्लस प्लस में एक नाम के एक से अधिक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से ऑपरेटर ओवरलोडिंग भी हम सी में नहीं कर सकते। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब क्या है कि कोई भी ऑपरेटर है उसका जो मीनिंग है उसके अलावा कुछ एडिशनल फंक्शनलिटी उसे और प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक्स्ट्रा मीनिंग नहीं दे पाएंगे हम लोग जो उसकी प्रीडिफाइंड मीनिंग है उसके अलावा, लेकिन हम लोग सी प्लस प्लस में दे सकते हैं। सी लैंग्वेज इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती है जबकि हमारी सी प्लस प्लस इनहेरिटेंस को सपोर्ट करती है। जब हम सी लैंग्वेज का यूज करते हैं तो आउटपुट के लिए प्रिंटएफ यूज करते हैं, लेकिन हम सी प्लस प्लस में सी आउट यूज करते हैं, और इनपुट के लिए हम लोग सी में स्कैनफ यूज करते हैं और सी प्लस प्लस में हम लोग सी इन यूज करते हैं। एंड बेसिकली जो आपका सी लैंग्वेज है उसमें रेफरेंस वेरिएबल का यूज नहीं होता है, नहीं सपोर्ट करता है, लेकिन हम इसमें रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आप लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है जो सी प्लस प्लस सी से डिफ्रेंशिएट करता है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। बेसिकली सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अपने चार पार्ट हैं। सबसे पहला आता है इंक्लूड स्टेटमेंट, यानी कि जो हमारे प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं या ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो सब हम किस में डिफाइन करेंगे, इस इंक्लूड स्टेटमेंट में। नाउ उसके बाद आता है क्लास डिक्रिएशन, चूंकि हमारा सी प्लस प्लस क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें इम्प्लीमेंट है, तो जब भी आप क्लास डिजाइन करेंगे तो उसके बाद आपको क्लास डिक्लेयर करना पड़ेगा, उसके मेंबर फंक्शन यानी कि उसका बिहेवियर डिक्लेयर करना पड़ेगा, एंड एंड में मेन प्रोग्राम जो इस क्लास को यूज करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। क्योंकि अभी इनिशियल में हम लोग क्लास डिक्लेरेशन नहीं सीख रहे हैं तो अभी हम लोग इंक्लूड एंड मेन प्रोग्राम से अभी यूज करेंगे। जैसे ही हम लोग क्लास यूज करने लगेंगे तब हम इन चारों का यूज करने लगेंगे। नाउ चूंकि अगर आप देखें कि चूंकि हम ऑनलाइन सारी चीजें यूज करते हैं तो हमारे पास एक codechef.com नाम से एक वेबसाइट है जो ऑनलाइन सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने की फैसिलिटी देती है, ठीक है। हर एक आप इसको यूज करके बहुत इजीली वे में कोई हैसल नहीं होगा, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आपको बस केवल क्या करना पड़ेगा, कंपाइलर सेलेक्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे उसके कोड यूज करने पड़ेंगे और बॉटम पे आप देखेंगे नीचे जाएंगे तो एग्जीक्यूट का एक रन का ऑप्शन होगा जिसमें आप रन कराएंगे, ठीक है। तो आप इस ऑनलाइन वेबसाइट को यूज कर सकते हैं अपने सी प्लस प्लस प्रोग्राम को रन करने के लिए विदाउट यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर। नाउ एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि हम लोग प्रोग्राम लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हमने जो यहाँ दिया है दैट इज अ कमेंट। कमेंट हम क्यों देते हैं,
इसको समझिए आप लोग, जब भी आप किसी प्रोग्राम को राइट करते हैं और विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो हमें उस समय तो याद रहता है कि हमने क्या किया है, लेकिन अगर हम लोग उसको एक साल बाद देखें या हम लोग 6 महीने बाद देखें, तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि उस प्रोग्राम में क्या हो रहा है, जब तक कि हम उसके कोड को एनालाइज ना करें। तो बेसिकली कमेंट्स क्या है, नॉन एग्जीक्यूटिव कमेंट है, जो एक आपके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक्चुअल में जो प्रोग्राम हम बना रहे हैं वो किस लिए बना रहे हैं। रीडेबिलिटी आसान होती है, स्टेप बाय स्टेप आप लोग इस कमेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं विद योर ईज। नाउ उसके बाद हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। एंड इंक्लूड स्टेटमेंट में होता क्या है, हम लोग हेडर फाइल्स का यूज करते हैं। ये हेडर फाइल्स प्री डिफाइंड फाइल्स हैं, जिसमें कि ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइन रहते हैं, हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं, यानी कि जो हमारी लाइब्रेरी होती है वो सारी इन्हीं हेडर फाइल्स में डिफाइन होती है। तो इन हेडर फाइल्स का अगर कोई भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, तो आपको इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू इस फाइल को जिसमें वो फंक्शन डिफाइन है उसको यहाँ पे आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। यानी कि जब भी आप इसको कंपाइल कराएंगे तो वो फंक्शन आपके प्रोग्राम के जो हेडर फाइल में जो डेफिनेशन है उस फंक्शन की, जिसका हम जो फंक्शन हम यहाँ यूज कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, उसको क्या करेगा, लिंक करेगा, ताकि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जो कीवर्ड्स, जो भी आपने प्री डिफाइंड फंक्शंस यूज कर रखे हैं, वो उसको वो नहीं जान पाएगा कि एक्चुअली वो कहाँ से आया, उसकी डेफिनेशन को मैप नहीं कर पाएगा, आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगी। तो हमें उन हेडर फाइल्स को इंक्लूड करने के लिए यहाँ पे हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट यूज करते हैं बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, अभी आगे भी देखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ यूज किया यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। यहाँ पे क्या है कि देखिए, हमारे पास, मैंने आपको बताया कि हमारे पास कई चीजें एक साथ काम करती हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, पार्टिशनाइज्ड कर रहे हैं अलग अलग वर्क को। तो अगर आप अपना एक वर्क, एक पर्टिकुलर वेरिएबल का स्कोप किसी पर्टिकुलर स्पेस में कन्फाइन कर देते हैं, तो वो उसका स्कोप उसी वर्क स्पेस में रहेगा। यानी कि उस वर्क स्पेस को जब भी यूज करेंगे तो उसके अंदर के जितने भी वेरिएबल्स डिफाइन होंगे, जितने भी फंक्शन डिफाइन होंगे, वो सारे एक्सेसिबल होंगे। बाय डिफॉल्ट हम क्या कर रहे हैं, एक पाथ डिफाइन कर दे रहे हैं कि जो भी चीज आप यूज कर रहे हैं वो एक्चुअली कहाँ डिफाइन है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हमारा जो C++ में नेम स्पेस यूज किया गया है एसटीडी, क्यों, क्योंकि इस नेम स्पेस में हमारे सारे जितने भी हेडर फाइल्स हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स हैं, जो पहले से डिफाइन है, वो सब इसी में है। तो उसको रेफर करने के लिए, यानी कि जो भी हम यहाँ पे एम्बेड कर रहे हैं, वो एक्चुअल में वो सारी चीजें उस पाथ को यहाँ डिफाइन कर रहे हैं कि एसटीडी में वो सारी चीजें डिफाइन है। तो इसीलिए हम उस वर्क स्पेस को यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं बाय यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। उसके बाद हम मेन फंक्शन को यूज करेंगे। अब मेन फंक्शन में आप देखिए, सबसे पहले ये कोई भी फंक्शन डिफाइन करते हैं तो सबसे पहले उसका ये रिटर्न टाइप लिखते हैं, फिर नेम ऑफ द फंक्शन और पैरेंथेसिस में उसके पैरामीटर। तो ये मेन फंक्शन में कोई पैरामीटर नहीं है, और यहाँ पे क्या है, रिटर्न टाइप, यानी कि जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट कर लेगा तो एक वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज नोन एज इंटीजर। तो इसलिए यहाँ इसका रिटर्न टाइप INT दे रखा है। कर्ली ब्रेस स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ यूज कर रखा है सी आउट हेलो वर्ल्ड, यानी कि अब आप प्रिंटर की जगह क्या यूज कर रहे हैं, सी आउट, और ये एक हमारा ऑपरेटर यूज हो रहा है, दैट इज आउटपुट ऑपरेटर, अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। और जो भी स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करानी हो, सिंपली क्या करेंगे, डबल कोट्स के अंदर देंगे, वो डिस्प्ले हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये एंडल क्या है, बेसिक ये मैनिपुलेटर है जो एंड ऑफ लाइन को, यानी कि स्लैश एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी आपको टर्मिनेट करनी हो, यानी कि न्यू लाइन करेक्टर इंसर्ट करना हो, तो आप एंडल का यूज कर सकते हैं। नाउ उसके बाद जब प्रोग्राम आपका खत्म होगा, तो चूंकि ये INT रिटर्न टाइप दे रखा है, तो यहाँ पे हमें एक रिटर्न स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा, और उसमें क्या वैल्यू पास करनी पड़ेगी, जीरो। सिंपली मतलब होता है कि जीरो का मतलब है कि आपका जो प्रोग्राम है सक्सेसफुली कंपाइल्ड हो गया है, एग्जीक्यूट करेगा। और अगर इसमें नॉन जीरो देते हैं तो ये मतलब होता है कि हमारा इस प्रोग्राम में कोई एरर है। नाउ कर्ली ब्रेस क्लोज करेंगे। तो ये एक सिंपल छोटा सा प्रोग्राम था, अभी इसके बारे में मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कमेंट्स की, हम लोग कमेंट्स कैसे डिफाइन करते हैं। बेसिकली कमेंट्स क्या है, एक नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट है जो क्या कर रहा है, प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया जा रहा है।
बेसिकली प्रोग्राम जिससे रीड करके अंडरस्टैंड करे कि एक्चुअली में कोड किस लिए लिखा हुआ है, या कोई भी हमने यूज किया हुआ है लॉजिक तो क्यों यूज किया हुआ है, ताकि बाद में हम कभी भी उसको देखना चाहें, समझना चाहें तो समझ सकते हैं। नाउ जो भी स्टेटमेंट एज अ कमेंट देंगे वो सी प्लस प्लस कंपाइलर एग्जीक्यूशन के टाइम उसे इग्नोर कर देगा। इट कैन बी प्लेस्ड एवरीवेयर, ये कहीं एनी वेयर कहीं भी प्रोग्राम में रख सकते हैं, किसी भी स्टेटमेंट में रख सकते हैं। तो ये कमेंट इसलिए यूज करते हैं, दो तरीके से कमेंट यूज होता है। पहला सिंगल लाइन कमेंट, इसमें हम लोग डबल स्लैश लगाते हैं, दैट इज अ फॉरवर्ड स्लैश, और उसके आगे जो भी लिखेंगे नॉन लिखेबल कमेंट हो जाएगा, दैट इज अ दिस इज एन एग्जाम्पल। ना उसके मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है कि अब एक से ज्यादा लाइन में अगर आपने कमेंट देना हो तो आप इसका यूज करेंगे, दैट इज अ स्लैश स्टार, और स्टार स्लैश के बीच आप जो भी लिखेंगे ये कहीं पे भी यूज होगा, इन दोनों के बीच में जितने भी स्टेटमेंट होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, कमेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इंक्लूड स्टेटमेंट की। ये इंक्लूड स्टेटमेंट जितनी भी लाइब्रेरी फंक्शंस हैं वो हेडर फाइल्स में डिफाइंड है, उनको इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, मैप करने के लिए अपने प्रोग्राम में इंक्लूड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अच्छा, इससे पहले हमारे पास एक हैश कीवर्ड लगा, एक हैश कैरेक्टर लगा होता है, ये कहलाता है आपका प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी कि जिस स्टेटमेंट के आगे ये हैश लगा होगा प्रोग्राम अगर जब भी कंपाइल करेंगे तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, जिसके आगे ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव लगेगा। इसीलिए हम लाइब्रेरी फंक्शंस को इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव का यूज करते हैं। नाउ दीज फाइल बेसिकली जनरली हम आउटसाइड फाइल को इम्पोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। हम लोग इंक्लूड स्टेटमेंट में सिंटेक्स देखते हैं, हैश इंक्लूड और हेडर फाइल का नाम। नाउ अब हेडर फाइल क्या है, हेडर फाइल बेसिकली जो भी हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शंस कीवर्ड्स वगैरह जो भी है वो ऑलरेडी डिफाइंड है किसमें, इन लाइब्रेरी फाइल्स में, दैट इज अ जो डेफिनेशन कंटेन करता है डेटा टाइप मैक्रो वगैरह सब की, उनका यूज करना है तो सबसे पहले इन हेडर फाइल्स को हमें इंक्लूड स्टेटमेंट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट करना पड़ेगा। नाउ हमारे पास कुछ यहाँ कॉमन हेडर फाइल्स हैं, जैसे अगर हमें इनपुट आउटपुट परफॉर्म करना हो तो आईओ स्ट्रीम एच को हम इंक्लूड करेंगे, फाइल हैंडलिंग परफॉर्म करनी हो तो एफ स्ट्रीम, स्ट्रिंग हैंडलिंग करनी हो तो स्ट्रिंग डॉट एच, अगर मैथ रिलेटेड कोई फंक्शन परफॉर्म करना हो तो मैथ डॉट एच, अगर करेक्टर टाइप का फंक्शन यूज करना हो तो सी टाइप डॉट एच हेडर फाइल्स का यूज करेंगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रोग्राम बनाते जाएंगे वैसे वैसे नई फाइलों के बारे में, हेडर फाइल्स के बारे में पता चलता जाएगा, उसी हिसाब से हम लोग इसको यूज करेंगे। नाउ नेम स्पेस मैंने आपको बताया था, दैट इज अ वेरिएबल आर डिफाइंड इन द डिफरेंट स्कोप ऑफ सी प्लस प्लस प्रोग्राम सच एज अ क्लास फंक्शन एंड ब्लॉक, यानी कि जो हमारे पास वेरिएबल्स हैं वो अलग अलग स्पेसेस में अलग अलग स्कोप में डिफाइंड होते हैं। तो जिस भी आप स्कोप को यूज करना चाहते हैं वही आप क्या करेंगे, उसी नेम स्पेस को यूज करके आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। एंड ये सी प्लस प्लस में एक नया कीवर्ड यूज हुआ है, दैट इज अ नेम स्पेस, जो क्या कर रहा है उस स्कोप को डिफाइन कर रहा है जो उस ग्लोबल आइडेंटिफायर को यूज कर रहा है। अगर हम सी प्लस की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की बात करें तो वो किसमें डिफाइन है, नेम स्पेस में, वर्क स्पेस में, दैट इज अ एसटीडी। इसीलिए जब भी हम लोग हैश इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली हम लोग एसटीडी का यूज करते हैं। ये देखिए यूजिंग यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, यानी कि जो भी आप यूज करें बेसिकली ये एक टाइप का पाथ समझ लीजिए जिसके थ्रू इस नेम स्पेस में आप जो भी डिफाइन करेंगे वो आप एक्सेस कर लेते हैं। इसी नाम से आप खुद का भी नेम स्पेस भी क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वो बात की बात है, हम आगे देखेंगे। नाउ उसके बाद करते हैं हम लोग कि हम लोग इनपुट एंड आउटपुट कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम जो इनपुट आउटपुट के लिए चीज यूज होती है दैट इज अ स्ट्रीम। स्ट्रीम क्या है, इज एन एब्स्ट्रैक्शन दैट रिफर्स टू फ्लो ऑफ टू अ फ्लो ऑफ डेटा, यानी कि स्ट्रीम क्या है, सीक्वेंस ऑफ बाइट्स या फ्लो ऑफ डेटा। जैसे आप एक समझ लीजिए स्ट्रीम को हम लोग एक चैनल भी कहते हैं जिसके थ्रू क्या होगा, डेटा ट्रेवल करेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको एक ह्यूमन लाइफ का एग्जाम्पल लें तो अगर आपको पानी फ्रॉम पंप टू अगर कहीं डालना है किसी गमले में तो आपको एक पाइप लगाना पड़ेगा, तो
पाइप से डेटा फ्रॉम स्टार्ट टू एंड तक तभी आएगा जब उस पाइप के थ्रू पास होगा। तो पाइप क्या है, एक टाइप का चैनल है जिससे क्या हो रहा है, आपका डेटा फ्लो हो रहा है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसी तरीके से हम लोग स्ट्रीम का यूज करते हैं। अब चूंकि जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो कुछ इनपुट लेंगे और कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे। तो इनपुट सोर्स क्या होगा, मेनली आपका कीबोर्ड हो सकता है, फाइल हो सकती है, नेटवर्क हो सकता है, प्रोग्राम हो सकता है। और आउटपुट के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, कंसोल यूज कर सकते हैं, फाइल में राइट कर सकते हैं या नेटवर्क पे दे सकते हैं। तो जब भी डेटा आप सोर्स से प्रोग्राम में लेते हैं तो उसके लिए आप क्या यूज करेंगे, इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। और जब भी आप आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे तो प्रोग्राम से आपका आउटपुट डिवाइस में जाएगा तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, आउटपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। आगे देखते हैं, अब हम लोग वो ऑपरेटर यूज करने जा रहे हैं जिसकी हेल्प से हम लोग आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे और कंसोल पे सेंड करेंगे। तो दिस इज अ इंसर्शन ऑपरेटर जो क्या कर रहा है, इसके राइट साइड में जो भी लिखा होगा, अगर वेरिएबल लिखा होगा तो उसकी वैल्यू या कोई स्ट्रिंग लिखी होगी, तो वो क्या करेगा, इस सी आउट ऑब्जेक्ट को भेज देगा। दैट इज अ प्री डिफाइन ऑब्जेक्ट है, पहले से डिफाइन है, जो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और वो स्ट्रीम, जो आउटपुट स्ट्रीम है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, दैट इज अ कंसोल को। तो जो भी इस इंसर्शन ऑपरेटर के राइट साइड में होगा वो इसके लेफ्ट साइड के ऑब्जेक्ट में पास होगा और वो जो भी उससे अटैच होगा उस पर वो डेटा डिस्प्ले करा देगा। मैं हम लोग इस जो ऑब्जेक्ट है इसको हम बदल के फाइल का ऑब्जेक्ट भी रख सकते हैं, अगर फाइल में डेटा राइट करना हो तो। अगर फाइल का ऑब्जेक्ट ले लिया तो वो क्या करेगा, फाइल में डेटा राइट करेगा। अब इसको देखते हैं क्या ये, द आइडेंटिफायर सी आउट इज एन ऑब्जेक्ट, जो सी आउट हमने यूज किया था वो क्या है, आपका एक ऑब्जेक्ट है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये पहले से डिफाइन है, यानी कि इस स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम में क्या होगा, जो भी डेटा आएगा आपके प्रोग्राम से वो आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा, जिसको आप बदल भी सकते हैं, फाइल रखना चाहें फाइल भी रख सकते हैं। और ये ऑपरेटर आपका क्या कहलाएगा, दैट इज अ इंसर्शन और पुट टू ऑपरेटर। ये सिंपली क्या करता है, जो भी इसके राइट साइड में लिखा होगा उसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर देगा, डायरेक्ट कर देगा, और वो जहां भी भेजना चाहे, सी आउट है तो सी आउट कंसोल पे जाएगा, फाइल का ऑब्जेक्ट लेंगे तो फाइल में चला जाएगा। इसी तरीके जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो भी अब इस ऑपरेटर के इधर क्या लिखा हुआ है, इंटर योर एज एक स्ट्रिंग फॉर्म में है, तो जो भी डेटा आएगा वो क्या करेगा, सी आउट को सेंड कर देगा, और सी आउट किसको सेंड करेगा, कंसोल पे सेंड कर देगा। इसी तरीके से इनपुट लेने के लिए हम लोग यहाँ पे सीन ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, यानी कि ये ऑपरेटर जब भी इसके राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू इनपुट होगी, सॉरी ये क्या कर रहा है कि सीन जो ऑब्जेक्ट है वो इनपुट लेने के लिए यूज किया गया है, यानी कि ये इनपुट स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है। और स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम के साथ कौन सी डिवाइस कंबाइन है, कीबोर्ड, यानी कि ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर जो भी कीबोर्ड के थ्रू हम इनपुट करेंगे सीन में, उसे क्या करेगा, उसके राइट हैंड साइड के वेरिएबल में ट्रांसफर कर देगा, ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। नाउ बेसिकली सी इन क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जो स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और स्टैंडर्ड इनपुट स्ट्रीम क्या है, यहाँ पर एक कीबोर्ड है जो आपका कीबोर्ड से प्रोग्राम में डेटा फ्लो कर रहा है। नाउ ये क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर या गेट फ्रॉम ऑपरेटर, ये क्या कर रहा है, जो भी वैल्यू आएगी स्ट्रीम ऑब्जेक्ट से इसके लेफ्ट से, उसे राइट साइड के वेरिएबल में क्या करेगा, प्लेस कर देगा, दैट इज अ इनपुट ऑपरेटर। फॉर एग्जाम्पल, जो भी आप इनपुट कराएंगे कीबोर्ड से वो सीन में जाएगा और सीन से किस में चला जाएगा, एज में चला जाएगा। नाउ कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर, कास्केडिंग मतलब क्या है कि जब आप इंसर्शन ऑपरेटर या एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर एक से ज्यादा बार किसी स्टेटमेंट में यूज करते हैं तो वो कहलाता है कास्केडिंग ऑफ इनपुट आउटपुट ऑपरेटर। अब यहाँ पे देख सकते हैं सी आउट में हम स्ट्रिंग भी डिस्प्ले करा रहे हैं और फिर एक्सट्रैक्शन इंसर्शन ऑपरेटर का यूज करके हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल भी पास कर रहे हैं और उसके थर्ड यूज किया है, उसके स्लैश एन भी यूज कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा, कास्केडिंग ऑफ आउटपुट ऑपरेटर, ठीक है। तो सीन के लिए भी एक से ज्यादा नंबर भी आप इनपुट ले सकते हैं बाय यूजिंग मल्टीपल यूज ऑफ दिस बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। मैंने इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए भी कुछ मैंने लिंक्स दिए हुए हैं, आप लोग इसका यूज कर सकते हैं।
और आगे और भी अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। थैंक यू।